119 एन इलेक्ट्रोमैग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द वर्टिकली डायरेक्शन डिस्टेंस एच यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपवर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्शन ऑफ द सेम अ प्रोटॉन अलाउड टू फॉल द रेस्ट ऑफ द थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस एच द टाइम फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द कंप्रेस ऑफ द टाइम. ठीक है देखो अब सिंपल इक्वेशन लगा दो एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और एक्सलेशन इसका दे रखा है. ठीक है एक्सलेशन कितना होगा क्यू ई बाई एम. ठीक है तो एस एच इजकल टू इनिशियल जीरो प्लस हाफ क्यू ई बाई एम इन टू टी स्क्वायर. ठीक है ना तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी. टी की वैल्यू कितनी आएगी टू एच एम. टी की वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर टू एच एम डिवाइड बाई क्यू ई. ठीक है ना ए आ जाएगी. तो और किस फॉर्म में पूछा है इसकी वैल्यू दे रखी तो वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक है अच्छा पूछा क्या है तो कंप्यूटर फॉलो द. ठीक है तो टाइम पीरियड देखा जाए यहाँ पर टाइम पीरियड जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट मास के. ठीक है ना इसके डायरेक्टली द मास ऑफ प्रोटॉन इज हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन. पता है प्रोटॉन का जो होता है प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से. हैं द इलेक्ट्रॉन विल टेक द लेस टाइम. इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा. ठीक है ना इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा इसलिए आपका स्मॉलर जो स्मॉलर टाइम है टाइम कैसा होगा स्मॉलर. क्यों होगा स्मॉलर क्योंकि जो वेट होता है प्रोटॉन का कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1×10⁻³⁻¹ kg और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 10⁻²⁷ kg जिसकी पावर इसकी रेंज की होती है −27 kg. अब देखो जिसकी पावर नेगेटिव जितनी बड़ी होगी वैल्यू छोटी होगी तो प्रोटॉन भारी होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन से इसलिए स्मॉलर आंसर आपका स्मॉलर आ रहा है.